सो फाइनली मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अब से यानी कि आज से प्रारंभ है कंप्यूटर की क्लास, जो आपके हॉस्टल वार्डन शिक्षक भर्ती प्रयोगशाला परिचालक जैसे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आपके कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट होगी इतिहास में। ठीक है, तो आज भी क्वेश्चन करेंगे हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर, तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखेंगे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है चित्र संदेश यानी कि वीडियो मैसेज नीचे इन बॉक्स में कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक रहता है, 28, 30, 15 या 7 दिन। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका होगा बी। जब आप वीडियो में मैसेज में इनबॉक्स में यानी कि चित्र में आपका इनबॉक्स में मैसेज भेजा जाता है तो कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक रहता है, तो यहाँ पर 30 दिन तक रहता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ही एक बार क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर का रिव्यूजन। सबसे मेन टॉपिक क्या है पता आपको, कि आप कितना भी टॉपिक पढ़ोगे जो भी है आपको रिवाइज करना आना चाहिए। बार बार जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका आंसर आपके दिमाग में नहीं छपेगा और आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसे में आपके लिए डेली एमसीक्यू लेकर आता रहूंगा, शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पर। ओके, चलिए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, जब हम ईमेल के बारे में पढ़ते हैं, ईमेल, ईमेल मतलब ई ईमेल। ठीक, तो ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया है, ईमेल का फुल फॉर्म आपका एमपीपीएससी 2012 में पूछा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, एक बार बता दीजिएगा। ठीक, ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है, कौन कौन सा शब्द है, वेव लॉ है ना, याद रखना वेव लॉ, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर क्या है, वेव लॉ और वेव लॉ। वेव का मतलब होता है देखिए WEB वेव, LOG लॉ, बस इतना आपको याद रखना है वेव लॉ। ठीक, तो ब्लॉक शब्द दो शब्दों के संयोजन से मिला है वेव लॉ। यहाँ पर देखेंगे क्या है, पहली बार आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो पार्ट टू वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक, GPSC एग्जाम में पूछा गया है, कौन से एग्जाम है, GPSC एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे CC, CC क्या है, कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि कोड या एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना। जब भी हम बात करें कार्बन कॉपी का, अब कार्बन कॉपी किस में आ रहा है, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या हुआ, कार्बन कॉपी। अब कॉपी आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ डायरेक्ट आपको दिख रहा है कॉपी, बस इसी आंसर ले लो। जब कार्बन कॉपी पूछ रहा है तो कार्बन कॉपी क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल आपका दुकानदार, दुकानदार आपको तो रसीद देगा, क्या देगा, रसीद। ठीक, रसीद देगा, क्या बना के देगा आपको, एक पीछे में क्या लिखा रहेगा, एक ग्राफ पेपर रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा या ग्राफ रहेगा। ठीक, तो रसीद बना के देगा तो क्या करेगा, जब जब यहाँ पर आप पेन से लिखोगे तो कार्बन कॉपी क्या छपेगा, कॉपी छपेगा, इसका डबल छपेगा। यही है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल में कॉपी करना। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, आपका SSC 2013, MPPSC 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पांचवा का आंसर कौन सा है, हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू, ये सभी। तब क्या पूछा गया, इनमें से निःशुल्क पूछा गया है। अब निःशुल्क सेवा प्रदाता, निःशुल्क यानी कि फ्री, फ्री है, तो क्या आएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं है ना, तो इस नंबर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या इस वीडियो में मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। ओके, फ्री है बिल्कुल, हॉटमेल, रेडिट मेल, याहू, ये सभी क्या है, तो सभी आपका क्या है, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों में,
अपने आप को पूरा कर लेता है, किसमें? प्रॉम और डेड में। किसमें? प्रॉम व डेड में, याद रखना, प्रॉम व डेड में। ठीक। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीदी बिक्री का संभव बनाता है। जब आप कंप्यूटर में प्रयोग करेंगे तो सामान क्या कहलाएगा? खरीदी बिक्री आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। ठीक। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। जब कंप्यूटर का प्रयोग करोगे तो प्रयोग करते समय खरीदी बिक्री जब करोगे तो आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बताइएगा। इस खरीदी बिक्री का संभव यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, इधर? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, खरीदी बिक्री का संभव, बिक्री का संभव क्या बनाता है? क्या बनाता है? ई कॉमर्स। आपका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? इतना मेहनत सब वीडियो लेकर आते हैं। ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है? ईमेल पूछ रहा है। जब आपको ईमेल के बारे में पूछेगा, ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है जी? आपको मालूम है? किसको मालूम है? यह कमेंट करके बताएं। पीरियड, एट द साइन, स्पेस या अंडर स्कोर या इनमें से कोई नहीं। जब भी आप निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं है, जब भी इस प्रकार का सवाल पूछेगा, जब भी इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो इसमें आएगा स्पेस, क्योंकि पीरियड क्या था आपको? देखिए, ईमेल में जब इस प्रकार रहेगा, एड्रेस साइन का चिन्ह इसमें रहता है, अंडर स्कोर का रहता है, लेकिन स्पेस का बाहर नहीं रहता ईमेल। ईमेल अटैचमेंट होता है, क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम का एक कॉलम में जो डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा जाता है, ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। ठीक। क्लासरूम में ना जाकर, क्लासरूम में ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? ई लर्निंग कहा जाता है। इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है, एक बार फिर से। क्लासरूम में ना जाकर कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, क्लासरूम में ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन करना, अध्ययन करना लोकप्रिय तरीके से क्या कहा जाता है? इसको ई लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ई लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ई लर्निंग कहा जाता है। चलिए, इसको बताइएगा। ई व्यापार, ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए, ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? ई व्यापार पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है? ई व्यापार। चलिए बताइए, ई व्यापार का मतलब होता क्या है? ओके, क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे ई व्यापार का मतलब क्या होता है। ई व्यापार का मतलब होता है इंटरनेट पर व्यापार करना। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं क्रय विक्रय, यानी कि क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीदी और बिक्री। ई व्यापार करना, जब भी आप इंटरनेट से शॉपिंग करेंगे, जैसे आपको शॉपसी हो गया, जैसे आप ऑनलाइन मंगाते हो ना, उसमें आपका ऑनलाइन करते हो वस्तु से, इंटरनेट से कमाते मंगाते, जो भी मंगाओ प्रयोग के सामान तो उसके लिए मंगाते हैं, सेवा करते हो, वो आपको क्रय विक्रय कहलाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ऐसा संभव पाया। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है आर टॉमलिंसन। ठीक, ईमेल का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक आर टॉमलिंसन 1971 में किया। अब ईमेल क्या है? ईमेल मैं आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क के माध्यम से संदेश हो, फाइल हो, वीडियो हो, डेस्कटॉप हो,
स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। जब भी आप कंप्यूटर में संदेश या फाइल हो, संदेश हो या फिर फाइल हो, एक दूसरे के स्थान पर भेजना कहलाता है। चैटिंग क्या है? चैटिंग एक रियल टाइम कन्वेंशन है। एक इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के माध्यम से दो व्यक्तियों का आपस में लिंक कर रियल टाइम संवाद स्थापित करना चैटिंग कहलाता है। ईमेल भेजना का मतलब होता है पत्र लिखने के समान, ठीक है? अब ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है, तो इनमें से प्राप्तकर्ता का हर समय कंप्यूटर पर उपस्थित होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? उपस्थित होना अनिवार्य, ठीक? क्या प्राप्त ऊर्जा के अनुसार पढ़ सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है दूर संचार। दूर से हम बात करेंगे मोबाइल से, लैपटॉप से, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वीडियो कॉल परिचालन करें। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है। हर एक ईमेल अकाउंट में क्या होता है? स्टोरेज एरिया, उसको मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। यहाँ पर देखेंगे मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है? यहाँ पर आप देख पाएंगे मल्टीमीडिया होता क्या है, देखेंगे मल्टीमीडिया होता क्या है, ठीक? तो मल्टीमीडिया देखेंगे यहाँ पर। मल्टीमीडिया मीडिया मतलब ये वाला टॉपिक यहाँ देखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। किसी सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम, टेक्स्ट, अक्षर, अंक, स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम को सूचना प्रस्तुत है ना? उसको याद रखना। मल्टीमीडिया क्या है? टेक्स्ट, रेखा चित्र, चित्र, इमेज, आवाज, वीडियो। यहाँ पर देखेंगे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सभी क्या है? मल्टीमीडिया। बस इतना पढ़ लीजिएगा एग्जाम कोई भी क्वेश्चन। ऐसे ही छुट्टियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर मुझे मल्टीमीडिया के अवसर, तो एक कंप्यूटर 64 मेगाबाइट यानी कि क्षमता की मेमोरी, रैम में वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, स्पीकर, सीडी रोम, एमपीजी कार्ड, सॉफ्टवेयर, माइक, आउटपुट कैमरा, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात करेंगे मल्टीमीडिया का। तो मैं आपको टेक्स्ट, टेक्स्ट होता क्या है? टेक्स्ट यानी कि नंबर, विशेष चिन्हों को यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये देखिए यहाँ पर जीपीईजी में ऑडियो, एमपीजी, मिडी, बिट मैप, टेक्स्ट फाइल, ये सभी क्या है? देखो जमा क्या है, साफ ठीक है जी। क्लियर समझ में आया? चलिए क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन मिलाते चलेंगे। यह साउंड है ना, वो तो साउंड को विशेष प्रकार का संगीत उपकरणों से जुड़ता है, आपको मिडी कहलाता है, ठीक? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स का मिश्रण मल्टीमीडिया कहलाता है। एपीजी का पूरा फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक? किन फाइल का एक्सटेंशन नाम एपीजी होता है? वीडियो। मल्टीमीडिया सम्मिलित हो सकता है क्या? मल्टीमीडिया जहाँ सुनोगे, टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सभी के सभी आपके मल्टीमीडिया से सम्मिलित हैं। वीडियो हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो में वीडियो क्लिप भेज सकते हैं,
है, वीडियो में क्या कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक समय में अधिक माध्यमों का प्रयोग क्या कहलाता है, यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो मैसेज, ये सभी, तो इसका आंसर बी होगा, ये सभी, क्योंकि वीडियो से हम क्या भेजेंगे, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो मैसेज, टिक, सॉन्ग, ये सभी वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं। अब मोशन पिक्चर एक्सपर्ट क्या पूछा था मैं आपको, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग तरीका क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया, ठीक, क्या कहलाएगा, मल्टीमीडिया। मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटो और स्कैन के लिए, हम इमेज में क्या करते हैं, हम इमेज में क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, इमेज में बिट मैप तो ग्राफिक्स प्रयोग करते हैं, जैसे BMP, GPG, GIF आदि जैसे एक्सटेंशन के रूप में बिट मैप ग्राफिक का प्रयोग करते हैं। वीडियो प्रोसेसर जो चित्र को स्टोर और प्रोसेस करता है, वीडियो तथा मेमोरी, चित्र यानी कि पिक्चर कंप्यूटर में स्टोर करने के प्रचलित फाइल फॉर्मेट है JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। आप देखेंगे कल के क्लासेस में हम, यानी कि पार्ट टू वीडियो में आपका कौन सा रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक, जिसमें आपका इतिहास से प्रश्न रहेगा, इतिहास याद रखना, ठीक, इतिहास से आपका प्रश्न रहेगा, साथ ही आपका मैथ से क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, बट आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, इतिहास का क्वेश्चन रहेगा, साथ ही आपको बाल मनोविज्ञान के टॉपिक करेंगे, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर देखिए, पूरा का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक, ये सभी कल के वीडियो में करेंगे, ओके जी।